आस्था मेरे ग्लव्स नीचे गिर गए हैं। ओह थैंक यू। सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेरा यानी कि निधि गौतम। So in this video, you will see that how to fold your pant for ceremonials. So without wasting much time, let's start the video. So ceremonials, that means if you are wearing it for first time, that means you are going to be a robot. बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम पहन रहे हो एंड आपको उसका प्रैक्टिस नहीं है तो आप उसको इस तरह से चलते हो कि यार कहीं से निकल ना जाए एंड ऑल। बट अगर आप RTC करते हो या कोई भी इस टाइप का काम करते हो जिसमें आपका फिजिकल और आपको बहुत कराया जाता है या ड्रिल वगैरह बहुत कराया जाता है तो आप देखते हो उन कैडेट्स के जो सेरेमोनियल्स होते हैं वो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लगे होते हैं एंड वो कितना भी वार्म अप कर ले या कोई भी कुछ भी एक्सरसाइज कर लें उनके जो सेरेमोनियल्स हैं वो ख़राब नहीं होते हैं और वो उसको किस तरह से कंफर्टेबली पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा जब आप सेरेमोनियल फर्स्ट टाइम पहनते हो एंड आप उसको नहीं आपको नहीं पता होता है देन आपको वो कैसे यूज़ करना है, कैसे पहनना है, आप उस पैंट को स्टिच करते हो एंड वो बहुत ही गंदा सा लुक बन जाता है अगर आपका जो पैंट है वो नैरो है। तो अगर आप सेरेमोनियल्स पहनने वाले हो पैंट फोल्ड करके, देन मेक श्योर कि आपका जो पैंट है NCC वाला वो नैरो नहीं होना चाहिए, नीचे से पतला नहीं होना चाहिए बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा ऑड दिखता है पहनने में। एंड इसके साथ साथ जब भी आप कोई पायलटिंग करते हो या ड्रिल DST देते हो आपको सेरेमोनियल मस्ट होता है, तो वो जो सेरेमोनियल है वो सबसे पहला इंप्रेशन होता है आपके ड्रिल का बिकॉज जो पर्सनैलिटी होता है एंड जो आपका ड्रेसिंग सेंस होता है मैंने पहले भी बताया है वो आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज उसके भी मार्क्स होते हैं। एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो सेरेमोनियल्स होते हैं इसका जो साइड का जो बटन वाला लाइन होता है वो दोनों ही पैरों में बाहर की तरफ आता है। देख सकते हो आप इस वीडियो में ये जो पहना हुआ है ये गलत पहना हुआ है बिकॉज इसमें क्या है जो बटन वाला साइड है वो अंदर की तरफ आ रहा है। वो जो बटन होता है ना वो साइड में दिखना चाहिए आपका, और इसको टग इन करने के लिए आप ये जो सेरेमोनियल है वो नीचे ना इसके आप ऊपर से एक और वाइट थ्रेड इसके बांध सकते हो। दूसरे कलर का थ्रेड नहीं यूज़ करना बिकॉज अगर जब आप वार्मअप करते हो या पैर उठाते हो तो वो दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, लाइक हमने भी अपने जूनियर्स को बता दिया है दैट हाउ टू सेट सेरेमोनियल्स बिकॉज जब आप कैंप में होते हो एंड आपको डेली डेली सेरेमोनियल्स पहनना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है अगर आप उसको स्टिच करते हो, सिलाई लगाते हो एंड वो सिलाई टूट भी जाती है और वो जो है इतना परफेक्ट दिखाई भी नहीं देता है। बट इन एक्सरे आप उसको खड़े खड़े कुछ भी 2 मिनट में एक्सरे को परफेक्ट उसको शेप दे सकते हो अपने पैंट को एंड वो बहुत ही ज़्यादा क्रीज की तरह एकदम प्रेस की तरह आपको वो दिखाई देगा और वो लुक में भी बेटर होगा एंड खुलेगा भी नहीं। जय हिंद एवरीवन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एक्सरे इन द पेंट। पहले हम लोग अपनी पेंट को उल्टा कर लेंगे, उसके बाद जो क्रीज की लाइनिंग होती है उससे ऐसे हम लोग रख लेंगे। हम लोग ऐसे नहीं रखना है, क्रीज की जो लाइनिंग होगी उससे ऐसे रखना है, उसके बाद इसमें एक फोल्ड देना है। उसके बाद कोई भी प्लास्टिक शीट ले सकते हैं या फिर एक्सरे की शीट ले सकते हैं। तो इसकी जितनी भी लेंथ एंड ब्रेथ होगी ये जो दिख रहा है तो उसे लेकर हम लोगों को ऐसे स्ट्रिप्स काट लेनी है ये, और इसकी लेंथ हम लोग थोड़ी छोटी रखेंगे क्योंकि आगे जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो उसमें सिलवट आ जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये हम लोगों ने ऐसे काट लिया है, उसके बाद ये फोल्ड करने के बाद ऐसे गैप आ जाएगा तो गैप में हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। आगे अलग होगा और सेम पीछे भी होगा। ये फिक्स हो गया है, उसके बाद हम लोग इसमें फोल्ड करेंगे। मैक्सिमम 3 फोल्ड्स करेंगे।
ये ऐसे हो जाएगा, उसके बाद प्रेस कर लेंगे। थैंक यू।